हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 48 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में फिर जॉन का आइसोलेशन में जाने के 4 महीने बाद मुकेम ने भी टेस्ट को पास कर लिया और इमीडिएटली आइसोलेशन में चला गया। फिर गोवांग एंड सोजोंग ने भी टेस्ट को पास कर दिया, पर अभी तक 5 कैडेट्स टेस्ट में फेल हो गए हैं। इसलिए कुछ समय के लिए किसी ने भी डर के मारे इंस्ट्रक्टर को चैलेंज नहीं किया। फिर 5वें महीने आने तक ताइग्यू में सांगवा ने भी टेस्ट को पास कर लिया। फिर 6वें महीने में वोमी, नोजोंग, युहान एंड जीनो एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गए, जबकि वो सभी मिड साइज क्लान से आते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और 10वें महीने में वोमी एंड युहान ने टेस्ट को पास कर लिया, पर अभी तक 15 कैडेट्स हो चुके हैं जो कि टेस्ट में फेल हो गए हैं। फिर एग्जैक्टली चोन के जाने के 1 साल बाद ड्यूएल फिर से करा जाता है 6 वोट को डिसाइड करने के लिए, और इसमें मून फर्स्ट, बाइक सेकेंड, गोवांग थर्ड, सोजोंग फोर्थ, सांगवा फिफ्थ एंड ताइग्यूम 6 बनता है। और जब 6 वोट डिसाइड हो जाते हैं और ग्रुप के 30% कैडर्स एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गए थे, मून, बाइक एंड गोवांग भी आइसोलेशन में चले गए। फिर सीन कट होता है चोन का आइसोलेशन में जाने के 2 साल बाद। लगभग सभी कैडर्स ने 4वां टेस्ट दे दिया था और 120 कैडर्स में से 71 ही पास हो पाए थे, और जो फेल हो गए उन्हें निकाल दिया गया। और चोन के ग्रुप से भी 19 कैडर्स जो कि फेल हो गए हैं। ह्योबोंग, जिसने सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है, वो 2 साल बाद प्रोफेशनल एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। इन 2 सालों में जितों ने 4वें टेस्ट को पास किया है उनमें से 80% लोग आइसोलेशन में जा चुके हैं। इसलिए इस साल के 6 वोट को डिसाइड करने का ड्यूअल स्किप कर दिया जाता है। और जबकि 80% कैडर्स आइसोलेशन में थे, अकेडमी में बड़ी शांति हो गई थी। चोन को छोड़ दे तो बाकी 70 कैडर्स जो कि धीरे धीरे करके आइसोलेशन में गए थे वो सभी वापस आ गए हैं, पर उनमें से 40% भी मास्टर मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाए। फिर 2 साल 4 महीने बाद मुयोन पहला बना, जिसने 5वां टेस्ट का सेल्डीवन चैम्बर को क्लियर कर दिया। और फिर 2 साल 8 महीने होने से पहले पहले सोर्ड क्लान का क्योंगोन, निहिलिटी क्लान का सामाचक, ऑनिस फ्लेम क्लान का गक्सुक, डार्क ड्रैगन पाम क्लान की मून, डार्क फिश क्लान का गोवांग और जेंटल किक क्लान का बाइक, टोटल 6 कैडर्स ने 5वां टेस्ट को पास कर लिया। उन्हें छोड़कर मुकेम ने भी 5वां टेस्ट को दिया था, पर वो फेल हो गया। और उसी के साथ 3 कैडर्स की भी डेथ हो गई है, जिस वजह से बाकी कैडर्स अंदर जाने से काफ़ी डर रहे हैं। फिर 3रे साल में सबकी स्किल्स आइसोलेशन में जाने की वजह से काफ़ी बढ़ गई थी, तो सभी कैडर्स ने 6 वोट के पोजीशन के लिए कम्पीट किया। और अब गोवांग बना फर्स्ट, मून बनी सेकंड, बाइक बना थर्ड, सांगवा बनी फोर्थ, सोजोंग बनी फिफ्थ एंड वोमिन बना 6 वोट। और फिर ऐसे 2 महीने और बीत गए और हमें फाइनली सभी को दिखाया जाता है। गोवांग कहता है कि सभी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। ताइग्यूम कहता है कि लगता है मून और ह्योबंग फिर से वहाँ पर चले गए। बाइक कहता है तो वो दोनों फिर से आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी में गए हैं। सांगवा कहती है कि मुझे खुशी है वो दोनों एक साथ गए हैं, पर गोवांग कहता है कि मुझे अनइजी फील हो रही है क्योंकि वो दोनों अभी अकेले हैं। बाइक कहता है क्या तुम्हें मून के स्किल्स के बारे में नहीं पता, तुम फालतू में उन दोनों की चिंता कर रहे हो। गोवांग कहता है अगर ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी कुछ समय से उत्तराधिकारियों के बैटल में चीजें इधर उधर होने लगी है। तुम्हें याद है ना किंगो ने तुम्हें फिर से एक और ऑफर किया था। बाइक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे ज्वाइन करूंगा जैसे कह रहे हो। गोवांग कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, पर क्या पता वो क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे। ताइग्यूम कहता है कि बाइक बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंगो न्यूचन से काफ़ी अलग है, क्या पता वो अभी कौन सी चाल चल रहा होगा। बाइक कहता है इसलिए तो हम सभी को एक साथ ही चलना चाहिए। गोवांग फिर कहता है कि आज मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, हमें जाकर उन दोनों को ले आना चाहिए। तभी सीन कट होता है आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने। ह्योबोंग एंड मून को कुछ कैडर्स घेर कर खड़े हुए थे और उन सभी के पास हथियार भी थी। ह्योबोंग कहता आखिर तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर हथियारों के साथ जमा क्यों हुए हो। क्योंगोन कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो साइड में रहो, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम सच में मेरे ऑफर के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मून कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बार पहले भी मना कर चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरे लॉर्ड को चुन लिया है। क्योंगोन अपना सोर्ड निकालते हुए कहता है तो ऐसी बात है, तुम्हें पता है मेरे हिसाब से छोटे मोटे प्यादों को लेने के लिए उन्हें थोड़ी एजुकेशन देने की जरूरत पड़ती है। चलो ये कैसा रहेगा, अगर तुम उसे ड्यूएल में जीत जाती हो तो तुम जा सकती हो, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना ही होगा। ह्योबोंग कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुमको ज्यादा ही कह गए, तुम एक वाइस लॉर्ड कैंडिडेट हो सकते हो पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंगोन गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे दूर रहने को नहीं कहा था, और वो अपने दूसरे कैडर्स को उसके ऊपर हमला करने को कहता है, पर वो सभी अचानक ही पूरा कर जाते हैं जैसे उनके ऊपर को टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर वो सभी जाकर धड़ाम से गिरते हैं। क्योंगोन कहता है बेवकूफो ये सब क्या कर रहे हो। तभी आइसोलेशन फैसिलिटी से चोन बाहर आता है, उसे देखकर ह्योबोंग और मून बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जिन कैडर्स के ऊपर चोन ने हमला किया था वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना बस अपने की के मदद से, कि ये कोई सुपीरियर की टेलीकाइनेसिस थी। सुपीरियर की टेलीकाइनेसिस में चीजों को बहुत दूर से ही मूव किया जा सकता है अगर दीवार बीच में आ जाए तब भी,
पर नॉर्मल टेलीकाइनेसिस में तुम्हारे सामने जो ऑब्जेक्ट है तुम उसे मूव करवा सकते हो। क्यूंगन सोच रहा था क्या वो ग्रैंड मास्टर आर्टिस्ट के लेवल तक पहुंच गया है। नहीं, यह सब नहीं हो सकता, मुझे 2 साल लगे बस मास्टर के लेवल तक पहुंचने में, शायद यह कोई ट्रिक वगैरह होगा। पर अगर वो सच में ग्रैंड मास्टर बन गया है और अगर मैं डर के मारे यहाँ से भाग जाता हूँ तो मेरी इज्जत माटी में मिल जाएगी। क्यूंगन फिर अपने कैडेट्स को कहता है, ऐसे क्या खड़े हुए हो, जाकर उसके ऊपर हमला करो। मून और ह्योबोंग कहते हैं, क्या तुम लोगों को लगता है हम लोग तुम्हें उनके ऊपर हमला करने को देंगे। तभी एक कैडेट ह्योबोंग को कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे छोटे क्लान के कैडेट की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। ह्योबोंग सोच रहा था मुझे कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा ताकि लॉर्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। तभी मून के सामने भी एक कैडेट आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। मून सोच रहे थे कि शायद यह स्वॉर्ड क्लान का इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक है, और यहाँ पर कुछ कैडेट्स आ गए थे चोन के ऊपर हमला करने के लिए, जिन्हें चोन सुपरियर टेलीकाइनेसिस की मदद से पकड़ कर नीचे फेंक देता है और उनका काम बस इतने में ही तमाम हो जाता है। यह देखकर क्यूंगन और बाकी कैडेट्स काफी डर गए थे, हमारे उसके सामने कोई भी चांस नहीं लग रहा, वो तो हमारे सोच से भी परे जा चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं जो कि इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा, लगता है कि हमें हमारी हार माननी होगी। मास्टर चोन, हम हमारी हार मानते हैं, आप यहीं पर रुक जाइए, चोन उसे घूर कर देखने लगता है। क्यूंगन कहता है कि तुमने सच में हमें कॉर्नर कर दिया है, पर अगर सभी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मानने के लिए आ जाते हैं तब तुम क्या करोगे। तभी चोन एक ही झटके में उसके सामने आकर उसे जोरदार धक्का देता है और कहता है कि अभी तुम लोगों की बारी है। क्यूंगन यहाँ पर सोच रहा था इतनी से जगह में एक पावरफुल पंप टेक्निक को यूज कर पाना। तभी मून आ जाते क्यूंगन के ऊपर हमला करने, पर अचानक उसकी की फेड होने लगती है। क्यूंगन कहता है कि तुम्हारा खेल यहाँ पर ही खत्म होता है। मून भी सोच रही थी कि मैथ हो गई, और वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, पर जब वो अपने आंखें खोलती है तो वो देखती है कि चोन ने क्यूंगन के स्वॉर्ड का एक ही हाथ से रोक दिया है। क्यूंगन कहता है, ये क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर बन गए हो। और फिर क्यूंगन आगे कुछ कह पाता या फिर कुछ कर पाता, उससे पहले चोन उसके ऊपर हमला कर चुका था और क्यूंगन कुछ भी नहीं कर पाता, और इस हमले की वजह से उसका हाथ कट चुका था। चोन फिर क्यूंगन के छाती पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है, और अब क्यूंगन की लिटरली पूरी फट चुकी थी, और वो कह रहा था कि मास्टर चोन मुझे छोड़ दीजिए। चोन कहता है कि अभी बहुत देर हो गई है। तभी वहां पर गोवांग बाग वगैरह आ जाते हैं। ह्योबोंग, मून, क्या तुम लोग ठीक हो। पर गोवांग देखता है कि ह्योबोंग कैडस के पहाड़ के सामने खड़ा होकर हंस रहा था। गोवांग कहता है कि ह्योबोंग तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, और मून भी आखिर वो किस बात कर रही है। और वो जैसे ही पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि ये तो है चियोन। गोवांग तुरंत बो डाउन करके कहता है, मैं आपका पहला सोर्ड गोवांग आपका स्वागत करता हूँ। फिर मून भी बो डाउन करके यही कहती है। पर बाग सोच रहा था कि वो ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर मेरे जैसा प्रोफेसर मास्टर का भी दम घुटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने एकेडमी के डायरेक्टर खड़े हुए हैं। बाग भी फिर बो डाउन करके चोन को वेलकम करता है। सांगो ये देखकर सोच रही थी ये पहली बार है जब बाग ने लॉर्ड को प्रॉपरली रेस्पेक्ट दिखाई है, पर वो पहले कहता था कि उसे चोन से जूनियर बन के बात करने में काफी अजीब लगता है। फिर सभी एक एक करके बो डाउन करके चोन का स्वागत करते हैं। चोन कहता है कि तुम सभी का शुक्रिया मेरे इंतजार करने के लिए, और सभी बहुत ही खुश हो रहे थे कि चोन वापस आ गया है। तभी गोवांग की नज़र क्यूंगन के ऊपर पड़ती है। लॉर्ड, ये तो सोर्ड क्लान का क्यूंगन है ना, लॉर्ड क्या आप ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गए हैं। फिर सीन कट होता है आधे घंटे बाद इन्फर्मरी में। डॉक्टर म्यूंग कह रहा था तो वो फाइनली वापस आ ही गया। चोन की वापसी और क्यूंगन उसे कैडर्स की दवाई की खबर पूरे अकेडमी में एक झटके में फैल गई है। अभी 6 क्लास में से 5 क्लान के कैंडिडेट तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी कैडर्स को लग रहा है कि इस बार शायद उन्हें एक ऐसा वाइस लॉर्ड देखने को मिल सकता है जो कि 6 क्लान को बिलोंग नहीं करता, और इसे डार्क क्लान का कैंडिडेट मुयन के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। पर मुयन पर्सनली सबके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वो बस अपने मास्टर स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहता है और उसी के ऊपर ही पूरा फोकस करता है। फिर सीन कट होता है डायरेक्टर के ऑफिस लिवा के ऊपर। लिवा रिपोर्ट पढ़कर कह रहा था, तुम अंदाजा लगाकर कह रहे हो कि वो ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुका है। गार्ड कहता है, सच कहूँ तो मैं कोई भी अंदाजा लगा नहीं रहा, मैं पूरा श्योर हूँ। मैंने जब उसे आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी से जाने दिया, मैंने तभी उसे सुपरियर की टेलीकाइनेसिस को यूज़ करते हुए देखा मेरे आंखों से। लिवा सोच रहा था, जबकि वह बहुत देर तक आइसोलेशन में था, मुझे लगा था कि वह बाहर आएगा ट्रू मास्टर बनकर, पर वो एक्चुअली ग्रैंड मास्टर बन गया है। पूरे डीमनिक एकेडमी की हिस्ट्री में कोई एक भी छठे टेस्ट को पास करने से पहले ग्रैंड मास्टर नहीं बना है, इसे बस जीनियस टैलेंट का नाम देकर टाला नहीं जा सकता। तभी लिवा को सेंस करता है। गार्ड पूछता है, डायरेक्टर क्या कुछ हुआ है। तभी कोई दरवाजे पर नोक करता है। लिवा कहता है कि उसे अंदर आने को कहो। लिवा सोच रहा था, अगर रिपोर्ट मुझे पहले नहीं मिली होती तो शायद मैं उसे कोई काउंसिल एल्डर समझ लेता। एक डोमिनेटिंग एनर्जी जो कि पूरे एकेडमी में फैला हुआ है। चोन फिर अंदर आता है और लिवा कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है कि तुम पहचान में ही नहीं आ रहे। तभी से डायरेक्टली कट होता है सेल डिमन कैफ के सामने, जहाँ पर 5वां टेस्ट होना है। होजिन कहते हैं, आइसोलेशन से बाहर आने के 4 घंटे बाद ही 5वें टेस्ट को एक्सेप्ट करना
शायद तुमको ज्यादा है जल्दी में लग रहे हो स्क्वाड लीडर जियोन। जियोन कहता है कि जब मैं आइसोलेशन में था तब मेरे कैडेट्स ने इस टेस्ट को पास कर लिया है, तो मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी टेस्ट को पास करना चाहिए। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मिनरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए।